यहाँ गौ माताओं की रक्षा होती है। गायें यहाँ बहुत खुशी से रहती हैं। इसे सुनकर मैं बहुत प्रसन्न होकर यहाँ आया। गावो विश्वस्य मातरः, गायों के प्रति हम सनातन धर्मियों की आस्था बहुत विशेष रूप से होती है। हम गायों को अपनी माँ समझते हैं। जैसे हम सभी को अपनी माता हमेशा के लिए पूजनीय होती है, गाय भी हमें सदा पूजनीय है। जैसे मैं परसों सार्वजनिक सभा में कालिदास के रघुवंश महाकाव्य के दिलीप महाराजा के गायों के प्रति जो बर्ताव था उसको प्रस्तुत किया था। वहां मैंने कहा गायों के प्रति हमें बहुत आदर दिखाना चाहिए। यदि हम आदर दिखाएंगे नहीं तो हमें बहुत अमंगल होता है, हमारा श्रेय मार्ग बंद होता है। दिलीप को कामधेनु वो स्वर्ग से लौटते वक्त रास्ते पर खड़ी हुई थी, उसको प्रदक्षिणा न करके दिलीप आया था। उसका फल स्वरूप उसको संतति ही नहीं हुई थी। भगवान वशिष्ठ महर्षि उसको संतति क्यों नहीं हुई इसका कारण कहते वक्त कहे, तुम कामधेनु को प्रदक्षिणा न करके आए हो इसीलिए तुम्हें संतति नहीं हुई। इसके प्रायश्चित के रूप में कामधेनु की पुत्री नंदिनी धेनु हमारे पास है, उसकी सेवा करो। सेवा करो माने कैसे? प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथा स्थितायां स्थितिमाचरे, उसका अनुसरण करो। जहां वो बैठती है तुम भी वहां बैठ जाओ, जब वो उठती है तुम उठ जाओ, जब वो चलती है उसके साथ तुम चलो, जब वो पानी पीना चाहती है तुम भी पानी पियो, जब वो वापस लौटती है तुम उसके साथ लौट आओ। ऐसे तुम उसकी सेवा यदि करोगे तभी तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित होगा, तब तुम्हें संतति होगी। दिलीप ने वैसे ही अनुष्ठान किया।
लेकिन वहां और भी एक विचित्र बात आ गई थी। जब वह नंदिनी की सेवा करने लगा, उसके पीछे गया था, ये जगह हिमालय की गुफा में, वो हिमालय की शोभा देखता रहा था, अचानक एक शेर उस नंदिनी पर आकर बैठा। एक शेर उस नंदिनी धेनु को मारने के लिए शेर, लेकिन वह आश्चर्य की बात थी कि वो शेर मनुष्य के जैसे आवाज करके बोलने लगा। वो शेर दिलीप से कहा, अरे तुम इसके साथ क्यों हो? बड़े राजा महाराजा हो, चक्रवर्ती हो, केवल इस गाय के साथ क्यों घूम रहे हो? तुम चलो अपने यहां, मैं ये तो मेरा भोजन है, ये गाय मेरा भोजन है, मैं इसे पूरा करूंगा। तब दिलीप कहता है, ये कभी भी नहीं हो सकता, मेरे शरीर में जब तक प्राण रहता है तब तक इस गाय पर तुम्हें प्रहार करने नहीं दूंगा। देखिए इस देश में एक जमाने में राजा कैसे थे, एक गाय पर कोई भी प्रहार ना करे, तुम्हें प्रहार करने को नहीं दूंगा, ऐसे कहते थे एक जमाने में। आजकल की स्थिति को कहने को हमारा मन नहीं आता। तब वो शेर कहता है, आपको इतनी आस्था क्यों नहीं है? हमारे गुरुदेव का गाय है, गुरुदेव की गाय है, इसीलिए उनकी संपत्ति का पालन हमारा कर्तव्य, इतना ही है ना? तुम्हारे गुरुदेव की गाय है, ठीक है, इसे तो मैं भोजन करूंगा, तुम और कई गायों को अपने गुरु को समर्पण करो, एक गाय के स्थान में और कई गाय तुम समर्पण करो, तुम तो राजा हो ना, कितने भी गाय ला सकते हो ना, तुम्हें किसकी कमी है? वो कहा, नहीं ये गाय साधारण गाय नहीं है, ये तो साक्षात कामधेनु का संतान। अरे कैसे भी हो, लेकिन इससे क्या हुआ, तुम्हारे वशिष्ठ तुम्हारे गुरुदेव को अपने दिनचर्या के लिए दूध चाहिए ना, दूध देने के लिए कोई भी गाय हो सकती है। नहीं नहीं वो कभी नहीं होगा। तब दिलीप कहता है, मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या है? संकट से बचाने वाला ही क्षत्र है। जब मेरे सामने ये गाय संकट में पड़ी है, तब इसको यदि मैं बचा नहीं सकूं तो मैं कैसे क्षत्रिय हो सकूंगा? यदि इसको मैं नहीं बचाया तो मुझे राज्य से क्या करना है और इस जिंदगी से मुझे क्या करना? यदि इसको मैं बचा नहीं सका तो मैं अपना प्राण छोड़, मुझे जीने से कोई लाभ नहीं। राज्य किम तद्विपरीत वृत्ते है प्राणैर्व क्रोश वलीमसे। अंत में वो सिंह से दिलीप ने ही कहता है, यदि तुम आहार चाहते हो तो मुझे स्वीकार, लेकिन इस गाय को छोड़। मुझे स्वीकार करके इस गाय को छोड़ दो, ऐसी बात इस धरातल पर उत्पन्न एक महाराजा के मुंह से आया था एक जमाने। वैसे महान लोग इस धरातल पर थे जो गाय के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे, गाय को साक्षात देवी मानकर सेवा करते थे। वो है हमारी परंपरा। हम हर रोज गाय को पूजा करते वक्त एक श्लोक कहते हैं, गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये सन्तु,
गवाम मध्ये वसाम्यहम्। गाय मेरे सामने रहे, मेरे पीछे रहे, मेरे हृदय में रहे, मैं हमेशा गायों के बीच में रहूं। इसका क्या अर्थ है? जब मैं गायों के बीच में रहूंगा तब मैं सुरक्षित रहूं। माँ के सामने जब बच्चा रहता है उसको एक हिम्मत आता है, मैं माँ के सामने हूं, मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एक हिम्मत होता है। बच्चे अपनी माँ के गोद में रहते हैं तो एक हिम्मत दिखाते। जैसे हमारी माँ गायों के बीच में मैं रहूंगा तो मुझे कोई कुछ भी कर नहीं सकता, ऐसी भावना हमारी। हम भगवान श्री कृष्णचंद्र की पूजा करते हैं, भगवान कृष्णचंद्र हमेशा गायों के बीच में रहे, गाय उनके परम प्रिय थे। इसीलिए गायों की सेवा हम सभी का परम कर्तव्य है। जहां भी गायों की सेवा होती है वो बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। जहां गाय सुरक्षित रहती है वो स्थान बहुत ही पवित्र होता है। गायों की सेवा से हम भगवान की परम कृपा का पात्र बन सकते हैं, क्योंकि गाय हमें कई प्रकार से उपकार करती है। कई प्रकार से गायों से हमें उपकार होता है। गायों का दूध हम स्वीकार करते हैं, भगवान को हम गायों का दूध ही समर्पण कर सकते हैं, और किसी का दूध हम भगवान की सेवा में उपयोग नहीं कर सकते। किसी ने हमसे पूछा, क्या आप गाय के बारे में इतना क्यों कहते हैं? गाय आपको क्या दूध देने वाला गाय एक ही है क्या? भैंस भी देता है, क्यों गाय के प्रति इतनी श्रद्धा आपको? मैंने कहा, अरे भाई भैंस देता है और गधा भी देता है, लेकिन भगवान को हम गाय का दूध ही समर्पण कर सकते हैं, और किसी का दूध समर्पण कर नहीं सकते। क्यों कर नहीं सकते? उसका शास्त्र चाहिए। शास्त्र तो गोक्षीर को ही कहता है और किसी को नहीं कहता। हम शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, जैसे भगवान की आज्ञा है तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। क्या करना क्या नहीं करना इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, हमारी इच्छा प्रमाण नहीं। यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे तो एक एक आदमी को एक एक इच्छा होती है, क्या वो सब प्रमाण हो सकते हैं? भगवान शंकराचार्य इस विषय में कहते हैं, यदि तुम्हारी इच्छा के अनुसार होता है तो कश्चित् कृपाल हो प्राणिनाम दुःखबहुलः संसार एव माभूदिति कल्पये, अन्यो वा व्यसनी मुक्तानाम् पुनरुत्पत्तिं कल्पये कस्तयोर्निवारकस्य। इसलिए तुम्हारी इच्छा धर्म में प्रमाण नहीं हो सकती, धर्म में तो केवल शास्त्र ही प्रमाण हो सकता। शास्त्र कहता है गोक्षीर को ही भगवान की सेवा में विनियोग करना। इसीलिए हमें गाय कई रीतियों से उपकार करती है, और गाय के समान सात्विक प्राणी और कोई नहीं। इसीलिए यहाँ गायों की सेवा होती है, गोरक्षण होता है। ये सुनकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ। आप इन गायों की सेवा के लिए अपने को समर्पित किए हैं, कितना भी खर्चा हो लेकिन गायों की सेवा होना यह एक ही आप अपना व्रत समझे हैं, इससे बढ़कर पुण्य काम और कुछ भी नहीं है। भगवान की कृपा आप पर हमेशा रहे, यहाँ गाय खुशी से रहते रहे, उससे हमें बहुत आनंद आता है। यहाँ नासिक के कई साधु संत आ गए हैं, आप सभी को मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ। भगवती शारदा अम्बा आपको
अपनी कृपा हमेशा बरसती रहे और आप सभी लोग अध्यात्म मार्ग में अग्रसर हो रहे। इन बातों से मैं ये प्रवचन समाप्त करता हूँ। नमः पार्वती पते हरा।